नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है निष्का किचन में। तो सुबह के जो कि समय 7:30 हो रहे हैं, आज मैं जा रही हूँ अपने किचन बनाने तोरी का फूल और कलियों की सब्जी, जो खाने में बड़ा स्वादिष्ट लगता है और बड़ा टेस्टी आता है। तोरी का सीज़न जो कि ख़त्म होने जा रहा है, तो उसके फूल और कलियों की सब्जी जो कि बना लेते हैं और चलते हैं खेत में, फूल और कलियों को तोड़ते हैं नेनुआ के। तो चलिए देखिए, हम आ गए हैं अपने तोरी के फूल और कलियों के पास आ गए हैं। और यहाँ पे देखिए, गावा फैला के काफ़ी लगाया गया था, तो इस समय जो कि बरसात का सीज़न भी अब ख़त्म होने जा रहा है और इसका सीज़न भी ख़त्म हो रहा है। देखिए पत्तियाँ जो पीली पड़ गई हैं और इसमें देखिए तोरी जो है सड़ा सड़ा निकल रहा है, अच्छा नहीं निकल रहा है। अब देखिए, तो इसके हम फूल और कलियों की सब्ज़ी, जब तोरी ख़त्म जाता है तो इसका फूल और जो होता है कलियों की सब्ज़ी बनाई जाती है। तो आज हम भी वही बनाने जा रहे हैं, क्योंकि जल्दी ये मिलता नहीं है फूल और कलियाँ जो है। एक लाइन से हम यहाँ पे देखिए इसका नेनुआ का फूल और कलियों को तोड़ते जाएंगे, तो ऐसे जो कि समझ में भी आएगा, बीच से तोड़ेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कहाँ टूटा है कहाँ नहीं। और आपको बता दूँ कि गांव में तो आसानी से इसका फूल और कलियाँ जो है ढोरी है और आसानी से मिल जाता है सब्ज़ी बनाने के लिए, लेकिन शहरों में बड़ा मुश्किल से मिलता है। जो फूल है और कलियाँ हैं इसको हम तोड़ लेते हैं। और देखिए बीच बीच में जो पतली तोरी भी है इसको भी हम साथ में डाल देंगे, बहुत नरम है तो पता नहीं चलेगा, इसके साथ गल जाएगा। ऐसे ही हम तोड़ लेते हैं। इसके पीले पीले फूल देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं, बड़ा अच्छा लगता है जब पीला पीला फूल खिलता है। तो इसमें इसकी सब्ज़ी जो है मेरे बच्चों को बड़ा पसंद आता है और मेरे घर वालों को बड़ा अच्छा लगता है। नेनुआ के फूल की सब्ज़ी हुआ और सनई के फूल की सब्ज़ी जो हुआ, ये सब बड़ा पसंद करते हैं मेरे घर वाले। तो इधर देखिए, हमने काफ़ी सारा जो है नेनुआ का फूल और इसके कलियों को तोड़ लिया है, और इसमें देखिए पतला पतला हमने तोरी भी लिया है, इसी के साथ बना देंगे। और आपको बता दूँ, ये तोड़ने में तो बड़ा मेहनत लगता है और दिखता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जब इसकी सब्ज़ी बनती है ना तो बनकर एकदम थोड़ा सा होता है। तो चलते हैं लेकर इसके चूल्हे के पास और बनाते हैं इसकी स्वादिष्ट एकदम सब्जी। इधर देखिए, अपने चूल्हे के पास हम आ गए हैं। अब इसको क्या करेंगे, छाटेंगे जो इसका डंठल है फेंक देंगे, अब फूल और इसके जो कलियां हैं सब तोड़ के छाट के रख देंगे थाली में। तो ये देखिए, कल तोरी भी उसी में था तो पापा शाम को तोड़ दिए थे, तो इसी में डाल देंगे फूल के साथ, बहुत अच्छा बनेगा। तो इधर देखिए, मिट्टी के बर्तन में आज सब्जी बनाएंगे हम। मिट्टी के बर्तन में खाना जो कि बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा स्वादिष्ट बनता है। तो मिट्टी का देखिए कढ़ाई हमने लिया है, इसी में आज हम नेनुआ के फूल और कलियों की सब्जी बनाएंगे। तो इसको कढ़ाई थोड़ा सा हम धो रहे हैं। ये देखिए कढ़ाई हमारी धुल गई है मिट्टी वाली, इसको इधर रखते हैं। और इधर देखिए, जो हमने फूल और कलियों को छाटा था इसको हम धोएंगे साफ पानी से, और इसमें डालेंगे हम टमाटर प्याज हरी मिर्च लिया है, और देखिए पतला वाला एकदम नरम तोरी लिया है इसको भी साथ में डाल देंगे। सबसे पहले इन सबको हम धो लेते हैं साफ पानी से। तो इधर देखिए, मैंने जो है नेनुआ था और ये इसकी कलियाँ और फूल को अच्छे से धो लिया है। और यहाँ पे देखिए साबुत धनिया लिया है, और यहाँ पे देखिए सरसों लिया है, कुछ मसाले मैं पीसूंगी जिससे सब्जी का टेस्ट है बहुत अच्छा आएगा। और आपको दिखाती हूँ कि स्कूल से गए थे, देखिए बाबू को भी ले आए हैं। अरे बाबू स्कूल से आ गए, मैं क्या बना रही हूँ, बहुत अच्छा बच्चा हो गया है और डेली स्कूल जा रहा है। बाबू गुड मॉर्निंग तो कर दो। गुड मॉर्निंग। 11 गिफ्ट लेने, क्या बोले सर इसके? सर कह रहे हैं हम बच्चों को पूरा ध्यान देते हैं ताकि वो खुश रहें, रोने धोने में ध्यान नहीं देते, मतलब अच्छा रोएगा तो बच्चा स्कूल ही नहीं आएगा, नहीं जाएगा। हाँ तो बाबू का तो अभी स्कूल में एडमिशन ऐसे नहीं हुआ है, ऐसे ही हम भेज देते हैं कि जाता है, और मतलब घर पे बहुत परेशान करता है, तो स्कूल में जाता है तो बड़ा खुश रहता है बच्चों के साथ। बाबू को गिफ्ट मिल गया, स्कूल से आ गया, अच्छा बच्चा हो ना, अब डेली स्कूल जाओगे ना। क्या है गिफ्ट में? खोलो खोलो। नहीं खोलते। लो मैं खोलती हूँ, ये देखो खुल गया, मौका ही नहीं दे रहा। ओ बूम, अरे बूम, अरे पसंद आई ना? हाँ, पसंद आई। थैंक यू बोल दो पापा को। थैंक यू पापा। मम्मा को किसी दे दो फिर। तो थोड़े से मसाले पीस लेते हैं इस सब्जी को बनाने के लिए। इस सब्जी जब मसाले पीस के डालते हैं तो बड़ा अच्छा बनता है, बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे मैंने देखे लिया है साबुत धनिया, इसको पीसेंगे थोड़ा सा। और यहाँ पे लिया मैंने सरसों, सरसों तो जरूर सब्जी में डाले, सरसों से बहुत बढ़िया टेस्ट आता है इस सब्जी में। और लहसुन भी जरूर पीसे इस सब्जी में, यहाँ पर मैंने लहसुन लिया है इसको डालेंगे। यहाँ पे देखिए मैंने 2 टमाटर लिया है, इसको भी पीसेंगे साथ में। और यहाँ पे छोटे छोटे जो है प्याज लिया, तो 4 पीस देते हैं, और 2
हरी मिर्च पीसेंगे। तीखे के अनुसार आप मिर्च बढ़ा घटा सकते हैं जितना आपको पसंद हो। तो मैं यहाँ पे दो ही मिर्च ले रही हूँ, बहुत तीखा मिर्च है ये। साथ में प्याज भी पीसूंगी इसी के, तो प्याज काट ले रही हूँ। और दो टमाटर पीसूंगी, टमाटर डालने सब्जी का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है, तो दो टमाटर डालूंगी इसमें। अब इसको देखिए हम बारीक पीस लेते हैं। पीसते हुए जब सरसों की महक आती है ना तो बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा उसकी खुशबू जो है बहुत अच्छी आती है। प्याज लहसुन और साबुत जो धनिया लिया है मैंने, सरसों लिया है, ये सबको हम एकदम बारीक पीस लेंगे, टमाटर को भी। इधर देखिए जो मसाले थे हमने पीस लिए, सो कटोरी में उठा लेते हैं। यहाँ जो मेरी मिट्टी की कढ़ाई है इसको चूल्हे पर रखूंगी, और चूल्हे पर रखने से पहले देखिए इसको मैंने पानी से गीला किया है, क्योंकि मिट्टी का बर्तन चटक जाएगा जब भी चूल्हे पर रखें, तो मिट्टी के बर्तन उसको थोड़ा सा पानी से गीला करके ही रखें। तड़का लगाने के लिए यहाँ पे देखिए हमने छोटा छोटा चट्ठो प्याज लिया, इसको काट लेंगे एकदम बारीक, और दो हरी मिर्च लिया है, और जो तोरी है पतला पतला इसको भी हम काट लेंगे साथ में। इधर तोरी को भी देखिए एकदम बारीक काट लेंगे, ये नरम तोरी है, इसी के साथ फूल के साथ अगर हम डाल लेंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि तोरी इसमें पड़ा भी है, गल जाता है। इसमें डालेंगे देखिए सरसों का तेल डाल लेते हैं, तेल हमारा देखिए गरम हो गया है, और इसमें डालेंगे हम पचफोरन, पचफोरन डाल दे रहे हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा मैंने हींग इसको डाल देंगे, पचफोरन को चटक जाने देते हैं तेल में बढ़िया से, और हींग को भी। पचफोरन और हींग देखिए बढ़िया से लाल हो गया है, तो जो हमने प्याज और हरी मिर्च काटा इसको भी डाल देते हैं। प्याज और हरी मिर्च को थोड़ा सा लाल करके भून लेंगे। यह देखिए जो मेरा प्याज और हरी मिर्च था, अच्छे से हमने इसको भून लिया है, काफ़ी नरम भी प्याज हो गया है। और इधर देखिए जो ननुआ के फूल और कलियों को हमने धुला था, इसको हम डाल देंगे। और इधर जो मैंने नरम ननुआ काटा था, इसको भी साथ में डाल देंगे। अब इसको थोड़ी देर तक भूनेंगे बढ़िया सा, ननुआ के फूल कलियों और ननुआ को जो है तो बढ़िया सा भून लेते हैं। तो इधर देखिए जो हमारा नेनुआ का फूल था, कलियाँ था, और जो हमने नेनुआ काट के डाला था, देखिए काफ़ी सारा गल गया है। इसमें हम जो पीसे मसाले थे सिलबट्टे के वो डाल देते हैं। और इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर आधा चम्मच, और यहाँ पे देखिए मैंने एक चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर लिया, इसको डाल देंगे। स्वाद के अनुसार नमक भी डाल देते हैं। अब इसको चला देंगे। यहाँ देखिए मसालों को हमने अच्छे तरीके से मिला दिया है नेनुआ के फूल और कलियों में। अब इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, जो मसाले हमारे जले ना इसी पानी के साथ हम इस सब्जी को पका लेंगे। अब इसमें पानी बिल्कुल भी हमने डालेंगे। अब इसको देखिए ढककर, अब इसको धीमी आंच पर पका लेंगे। तो ढककर पकाए जो कि काफ़ी देर हो गया, ढक्कन हटाते हैं, और देखिए कितना अच्छा कलर आ गया है सब्जी का। इसको चलाते रहेंगे बीच बीच में लगे ना, और सब्जी देखिए बढ़िया सा पक गया है। मसालों का देखिए कितना अच्छा लग रहा है, एकदम मसाला इसमें लिपटा हुआ है इस सब्जी में, कितना बढ़िया लग रहा है नेनुआ का फूल और कलियों की सब्जी। इसको हम प्लेट में निकालते हैं। ये देखिए तो इस तरीके से अगर आप सब्जी बनाएंगे नेनुआ के फूल और कलियों की सब्जी, तो बड़ा टेस्टी बनता है। इसको मसालों के साथ एकदम लिपटा के बनाते हैं हम लोग, तो बड़ा अच्छा बनता है, लिपटा रहता है मसाला जो इसमें, तभी अच्छा लगता है सब्जी। इधर देखिए रोटी लिया है मैंने, थोड़ा सा इनको मैं टेस्ट कराती हूँ, कब से इंतज़ार कर रहे थे। देखिए ये बहुत गर्म है, फूक कर खाते हैं, बहुत बढ़िया टेस्ट आ रहा है सब्जी का, बहुत अच्छा लग रहा है। एक बार आप भी टेस्ट करके देखिए, बहुत बढ़िया, सच में बहुत अच्छा है। इनको बड़ा मज़ा आया खाने में, और आज मैंने बिल्कुल अलग तरीके से बनाया है तोरी के फूल और कलियों की सब्जी, क्योंकि हमेशा जो है लहसुन और सरसों पीस के डालती थी, लेकिन मैंने इसमें टमाटर प्याज भी डाला है और साबुत धनिया पीस के डाला है, तो सब्जी बहुत टेस्टी बनी है दोस्तों। तो दोस्तों ये सब्जी जो है कि मैंने मिट्टी के बर्तन बनाया, तो इसमें मिट्टी के बर्तन का स्वाद भी आ रहा है, बड़ा अच्छा सब्जी बना है, बहुत टेस्टी बना है। तो देखिए यहाँ पे आधा सब्जी मैंने चट कर दी है, ऐसे ही आप लोगों से बात करते करते खाते खाते। तो दोस्तों इस तरीके से आप बनाएंगे नेनुआ के फूल और कलियों की सब्जी, तो बड़ा टेस्टी बनेगा और बड़ा स्वादिष्ट बनेगा। आप इसको दाल चावल और नेनुआ के फूल और कलियों की सब्जी बनाइए, और रोटी के साथ खाइए, बड़ा मज़ा आता है खाने में। दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और दोस्तों कमेंट बताइएगा कि आप लोग को हमारा ये रेसिपी कैसा लगा, नेनुआ के फूल और कलियों की सब्जी। आपको अगले वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों टाटा बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा।